नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त उदय सनम। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। जैन धर्म से और बौद्ध धर्म से अक्सर परीक्षा में रेलवे, एसएससी, बैंक, बिहार पुलिस, आर्मी तथा अदर कंपटीशन में अक्सर पूछे जाते हैं। इसको हम लोग ट्री मेथड से पढ़ेंगे। चलिए तो हम लोग चलते हैं। दोस्तों, फाइनली हम बोर्ड पर आ चुके हैं। यहाँ हम लोग देखेंगे जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो महावीर स्वामी। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी। प्रथम जैन भिक्षुनी कौन थी? तो नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। प्रथम जैन भिक्षुनी कौन थी? नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता है या नहीं? तो नहीं है। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है या नहीं? तो जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन थे? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। चलिए इसको हम दोबारा दोहरा देते हैं। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे या प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभदेव। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो महावीर स्वामी। प्रथम जैन भिक्षुनी कौन थी? नरेश दधिवाहन की पुत्री कौन थी? चंपा थी। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन थे? तो त्रिरत्न थे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। दोस्तों, हम लोग जैन धर्म में महावीर स्वामी के बारे में पढ़ेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं। महावीर स्वामी 24वें एवं अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। 24वें एवं अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान था। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली जिले में हुआ था। महावीर के पिता का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था। महावीर के माता का नाम क्या था? तो त्रिशला था। महावीर के माता का नाम त्रिशला था। महावीर के पत्नी का नाम क्या था? तो यशोदा था। महावीर के पत्नी का नाम यशोदा था। महावीर के पुत्री का नाम अनुज्ञा प्रियदर्शनी था। महावीर के पुत्री का नाम अनुज्ञा प्रियदर्शनी था। महावीर ने संन्यास जीवन कब स्वीकारा था? तो उन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में माता पिता के मृत्यु के पश्चात बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। चलिए इसके एक बार रिविजन करते हैं। तो महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर हुए थे। महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान था। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली जिले में हुआ था। महावीर के पिता का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। महावीर के माता का नाम त्रिशला था। महावीर का पत्नी का नाम क्या था? यशोदा था। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था। महावीर के पुत्री का नाम अनुज्ञा प्रिय दर्शनी था। महावीर ने संन्यास जीवन कब स्वीकारा था? इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में माता पिता के मृत्यु के पश्चात बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। दोस्तों, महावीर स्वामी के बारे में नेक्स्ट टॉपिक बचा था, चलिए हम लोग इसको देखते हैं। महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त कब हुआ था? 12 वर्ष की कठिन तपस्या के जिम्बिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ था। महावीर स्वामी को ज्ञान कब प्राप्त हुआ था? तो 12 वर्ष की कठिन तपस्या के जिम्बिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ था। महावीर स्वामी ने उपदेश दिए थे किस भाषा में दिए थे? तो प्राकृत अर्धमगधी भाषा में दिए थे उपदेश। महावीर स्वामी ने उनमें उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो प्राकृत अर्धमगधी भाषा में दिए थे। महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी? तो 468 ईसा पूर्व 72 वर्ष की आयु में पावापुरी राजगीर बिहार में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। महावीर स्वामी के अनुयायी को क्या कहा जाता था? निर्गंथ कहा जाता था। महावीर स्वामी के अनुयायी को मूलतः निर्गंथ कहा जाता था। महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी कौन थे? तो जामिल बने थे, उनके दामाद थे, जो प्रियदर्शनी के पति थे। महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी कौन थे? तो जामिल बने थे, जो उनके क्या थे? दामाद थे।
महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों कितने गंधर्वों में विभाजित किया था? तो 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। महावीर स्वामी किसमें विश्वास करते थे? तो पुण्यजन्म और कर्मवाद में विश्वास करते थे। चलिए उसे व्यवस्था और देखते हैं। महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त कब हुआ था? 12 वर्ष की कठिन तपस्या के जिम्बिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ था, साल वृक्ष के नीचे। महावीर स्वामी ने प्रथम उपदेश जो दिए थे, ये उनका जो उपदेश था किस भाषा में था? तो प्राकृत अर्धमग्धी भाषा में था। महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी? तो 468 ईसा पूर्व 72 वर्ष की आयु में पावापुरी राजगीर बिहार में उनकी मृत्यु हुई थी। महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी कौन बने थे? तो जामिल बने थे। और महावीर स्वामी के अनुयायी को मूलतः निर्गंत कहा जाता था। महावीर स्वामी के ने अपने शिष्यों को कितने गंधर्वों में विभाजित किया था? तो 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। महावीर स्वामी किसमें किसमें विश्वास करते थे? तो पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते थे। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक है बौद्ध धर्म। चलिए तो हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध थे। ये गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। ये गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो शुद्धोधन था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन था। गौतम बुद्ध के माता का नाम क्या था? तो माया देवी था। इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। गौतम बुद्ध के माता की मृत्यु गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। और इनकी माता का नाम क्या था? माया देवी था। इनका जो लालन पालन है, इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने की थी। गौतम बुद्ध का लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने की थी। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध की विवाह जो हुआ था 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ था। ये गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? तो राहुल था। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। गौतम बुद्ध ने गृह त्याग कब किया था? तो इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था, जिसे बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। गौतम बुद्ध ने गृह त्याग 29 वर्ष की अवस्था में किया था और बौद्ध धर्म में इसे महाविनिष्क्रमण कहा गया। चलिए उसके उदाहरण देखते हैं। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध थे। और गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता का नाम क्या था? तो शुद्धोधन था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। इनकी माता का नाम क्या था? तो माया देवी था। और इनकी माता की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने की थी। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। और इनका विवाह जो हुआ था 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ था। और इनके गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? तो राहुल था। और गौतम बुद्ध ने गृह त्याग कब किया था? तो इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था, जिसे बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा गया। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। दोस्तों बौद्ध धर्म में जो टॉपिक बच गया था, चलिए इसको हम लोग देखते हैं। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? तो उनको बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की अवस्था में कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? तो बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की अवस्था में कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में दिए थे। और बौद्ध धर्म में यह क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। और किस भाषा में दिए थे? तो पाली भाषा में दिए थे। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो श्रावस्ती में दिए थे। श्रावस्ती जो कौशल की क्या थी? राजधानी थी। गौतम बुद्ध के प्रमुख अनुयायी कौन कौन थे? तो बिंबिसार थे, प्रसेंजी थे और उदयन थे। गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में सुंद द्वारा अर्पित भोजन करने से गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। और बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है।
चलिए इसके एकदम और हम लोग देखते हैं तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी, तो बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की अवस्था में कठिन तपस्या के, माने 6 वर्ष के तपस्या किए थे गौतम बुद्ध, 6 वर्ष तपस्या के कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में, उनका आयु उसमें कितना था 35 वर्ष था, वैशाख की पूर्णिमा की रात फल्गु नदी के किनारे पीपल ब्रिज के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे जिसे बौद्ध धर्म में धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है, और उपदेश किस भाषा में दिए थे तो पाली भाषा में दिए थे। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे तो श्रावस्ती में दिए थे जो कौशल की राजधानी थी। गौतम बुद्ध के प्रमुख अनुयायी कौन कौन थे तो बिंबिसार थे, प्रसेनजीत थे और उदयन थे। गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी, 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व कुशिनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई थी, और इसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिए। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद और जय भारत।